हेलो गाइस, और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं बीबीएससी एच मतलब वेटनरी की डिग्री, एनिमल डॉक्टर की डिग्री, और दूसरा है बीएएमएस मतलब कि आयुर्वेदिक कोर्स, जिसमें आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस करेंगे, आयुर्वेदा वाला कोर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और किसका ज़्यादा स्कोप होने वाला आने वाले टाइम में, किस में ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, कौन सा जो है आपको ज़्यादा फ्रूटफुल फ्यूचर देगा और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक। मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था जब मेरे टाइम पर मुझे डिसीजन लेना था कि मैं बीएएमएस करूं या फिर मैं बीबीएससी इन एज करूं, बिकॉज मुझे दोनों में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे थे, बट आई वाज सो कंफ्यूज्ड। और वहां पर मुझे कोई भी गाइडेंस वगैरह नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन भी कहीं पर नहीं था और ऑफलाइन भी कहीं पर इस पे बात नहीं होती है। सो देयरफॉर आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू एक्चुअली एक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मतलब क्या क्या पॉइंट आपको सोचना चाहिए बिफोर कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट योर होल लाइफ इन टू दिस कैरियर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बीबीएससी एंड एज के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हमें कितनी मिलती है बीबीएससी एंड एज में, तो यहाँ पर आप देखते हो कि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की, और इसके लिए आपको जो है 3 से 4 साल वेट करना पड़ सकता है आफ्टर योर डिग्री, बिकॉज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस जॉब जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो इस जॉब को काफ़ी मतलब 5-6 सालों में निकालती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जैसे ग्रेजुएट हो वैसे ही ये पोस्ट ना आए। ठीक है, पर आएगी ज़रूर, ऐसा है कि ये आती है 3-4 साल में, फिर 5-6 सालों में, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ सकता है आफ्टर योर डिग्री। तो उस टाइम आप पीजी कर सकते हैं या तो फिर आप अपना कोई क्लिनिक डाल सकते हैं या फिर आप प्राइवेट में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। सो ये जो है इसमें गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है, बट यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 years, और हो सकता है कि जब तक कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाए। सो इसमें यही बात है कि गवर्नमेंट जॉब जो है इसमें आती है, बट देर मे बी सम टाइम आफ्टर योर डिग्री जिसमें आके आपको काम करना पड़ सकता है कहीं पर प्राइवेट में। ठीक है, और बीएमएस में क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ गवर्नमेंट जॉब इज एक्चुअली हायर। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब आती है थोड़ी सी ज्यादा आती है, बट हियर क्या है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी हायर इन बीएमएस एज कम्पेयर टू वेटनरी। बीएमएस में कॉम्पिटिशन काफी बहुत ज्यादा है, बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर हायर, और कैंडिडेट ज़्यादा है तो फिर कंपटीशन तो ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कंपटीशन इज हायर इन बीएमएस। इसके अलावा हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब की सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो दोनों ही कोर्सेज में कहूंगा मैं कि प्राइवेट जॉब आपको लगेगी, बिल्कुल लगेगी, और आपको 40,000 से लेकर के 50,000 तक शुरुआत में कोई भी देगा। ठीक है, If you have done a decent degree, अगर आपके marks वगैरह सही हैं और आपको knowledge है, practical knowledge है, then you will get 40 to 50K in both the courses. इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, private job में दोनों में ही बढ़िया scope है, but यही है कि आप फिर यहाँ से कितना grow करते हैं। अगर आप सोचोगे कि 50,000 पे ही मैं settle हो जाऊँ, then you will have that amount only. But अगर आप फिर वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप चाहो तो 1 लाख तक भी ले जाओ, आप चाहो तो 10 लाख तक भी ले जाओ, देन दिस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्किल्स। तो इसलिए प्राइवेट जॉब की सिक्योरिटी वैसे दोनों में ही है। ठीक है, आपको कहीं भी आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे, अगर आपने जो है अपनी डिग्री में थोड़ी भी मेहनत करी है देन यू विल नॉट बी अनएम्प्लॉयड, दोनों ही केस में मैं कह सकता हूँ। बट वही है कि आप कितना ट्राई करना चाहते हो, कितना आप जो है मतलब हाउ हार्ड यू ट्राई टू गेट टू द मतलब कितने ज्यादा पैकेज आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर तीसरा फैक्टर जो देख रहे हैं, व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 to 20 years फ्रॉम नाउ। तो दिस इज अ पॉइंट जो कि आपको सोचना है कि आज से आने वाले 10 से 20 साल बाद किस चीज का ज्यादा स्कोप, ज्यादा स्कोप आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस होगी आज से 10 से 20 साल बाद? क्या आपको लग रहा है कि वेटनरी डॉक्टर्स मतलब एनिमल्स लोग रखेंगे, पेट्स रखेंगे क्या लोग? तो ये सारी चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि क्या आज से 10 से 20 साल बाद लोग पेट्स रखेंगे, क्या एनिमल्स को रखेंगे लोग, और एनिमल्स नहीं रखेंगे तो फिर वेटनरी डॉक्टर के पास कौन आएगा? ठीक है, तो ये बात है आपको सोचने की जरूरत है, और ये आपको पर्सनली सोचना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज हर एक इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव है इस बात पे। बट मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई फील्ड है तो उसमें जॉब्स हमेशा रहेगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि वो फील्ड पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, हो सकता है कि उसका कोई नया फॉर्म बन जाएगा, देयर विल बी मोर टेक्निकलिटी, हो सकता है कि वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी। ठीक है, बट योर फील्ड विल एग्जिस्ट एनीवेयर। ठीक है, तो मुझे तो ये लगता है कि आपकी जो फील्ड रहेगी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी, ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, बट
कोई भी फील्ड पूरी तरीके से खत्म नहीं होती कभी भी। तो हो सकता है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस जो अभी हो रही है उसमें कुछ टेक्निकलिटी आ जाए, उसमें कुछ एडवांसमेंट आ जाए, है ना। और इसी तरीके से वेटनरी का जो कोर्स है इसमें भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट आ जाए, काफी ज्यादा टेक्निकलिटी आ जाए, थोड़ा सा जो भी मतलब समय के साथ जो भी चेंज होगा जल्दी जल्दी, तो उसको उतना ही अच्छा स्कोप आगे मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं, आर यू कंफर्टेबल विद एनिमल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप वेटनरी बनने का सोच रहे हैं, आर यू कंफर्टेबल विद एनिमल, ये आपको खुद से सोचने की जरूरत है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग वेटनरी में एडमिशन ले लेते हैं एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल अराउंड एनिमल्स। वो सर्विस ले लेते ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एंड फिर वो आ करके यहाँ पर सफर करते हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एनिमल्स, एंड फिर वो 5 साल 6 साल रोते रहते हैं कि हमें फिर आगे हम लोग क्या करें, ठीक है। तो ये आपको खुद से सोचने की जरूरत है कि आप क्या एनिमल्स के अराउंड कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको एनिमल्स के हर चीज देखनी पड़ेगी, ब्लड से लेकर के उनका फीचर्स तक सब कुछ आपको टच भी करना पड़ेगा, सब कुछ आपको मतलब पूरे तरीके से आपको फील करवा देंगे कि आप डॉक्टर हैं। तो इफ यू वॉन्ट टू डू दिस वर्क देन ओनली कम इन टू द वेटनरी, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ वर्क देन यू शुड गो फॉर BMS। आप जो है ह्यूमन डॉक्टर बन सकते हैं BMS में। यू विल हैव एज कम्पेयर, मतलब अभी भी अगर हम सोसाइटी में देखें तो वेटनरी में एक तरीके से बोला जाता है कि ये जानवरों के डॉक्टर हैं, और BMS में एक बात है कि आप ह्यूमन के डॉक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट की बात है वो इनिशियली आपको BMS में ज़्यादा ही मिलेगी एज कम्पेयर टू वेटनरी। बट वेटनरी में ये है कि आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी रिस्पेक्ट को खुद ही कमा सकते हैं अगर आप अच्छा काम करेंगे, देन विद इन 5 to 10 years पीपल विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। सो बहुत ही फील्ड में रेस्पेक्ट तो बिल्कुल है, बट अगर हम एक जनरल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं वेटनरी की तरफ से ये देखने मिलता है कि लोग बोलते हैं एनिमल डॉक्टर है, बट उन्होंने पता थोड़ी कि 6 साल का कोर्स इसमें भी है और 6 ईयर कोर्स इसमें भी है BMS में भी। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि आपका किधर इंटरेस्ट है। आर यू कंफर्टेबल विद एनिमल्स? व्हाट विल बी द स्कोप आफ्टर 10 to 20 years? प्राइवेट जॉब की सिक्योरिटी क्या होने वाली है? गवर्नमेंट जॉब कैसी लगेगी? ये सारे बात आपको सोचना है, खुद ही चिंतन करना है। और मैं ये भी कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेटनरी डॉक्टर से मिले, ज़्यादा से ज़्यादा BMS डॉक्टर से मिले, तो वो लोग आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव देंगे जो कि आपने नहीं सोचे होंगे, ठीक है। मीट न्यू पीपल्स, और जितने आप उन लोगों से मिलेंगे जो कि अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, देन दे विल टेल यू मोर थिंग्स जो कि शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। वो लोग ऐसी ऐसी बात आपको बताएंगे जो कि रियलिटी है और जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो दिस वॉज अ वीडियो फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। तो आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE नीट या फिर दूसरी जो ICR के एग्जाम्स है, वेटनरी के एग्जाम्स है, नर्सिंग के एग्जाम्स है, BMS वगैरह। तो इन सब के लिए आजकल मटेरियल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मतलब जैसे आप YouTube पर सर्च करते हो तो आप लोग को इतना एक्सटेंसिव मटेरियल मिल नहीं पाता, जैसे आपका सिलेबस है उससे काफ़ी ज़्यादा हट के आपको मटेरियल मिलता है ऑनलाइन YouTube पर या फिर कहीं और वेबसाइट्स पर। पर अगर आप एक ऑप्शन कंसिडर करते हो मेरी तरफ से, आई विल रिकमेंड अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप लोग को जो है बैच कोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पर आपका जो कोर्स है वो पूरी तरीके से डिज़ाइंड होता है, एक मतलब जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से ही वहाँ पर पूरे कोर्सेज चलते हैं। तो आपको एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज एंड विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में जो टॉप एजुकेटर्स है, जो टॉप के जो लोग हैं वो लोग आपको पढ़ाते हैं, टॉप के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ लाइव लर्निंग होती है, मतलब कि जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आप वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और आप उनसे कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी। यहाँ पर आप लोग अगर अनअकैडमी का प्लस वाला कोर्स लेते हो जिसमें आपको कुछ और जो फीचर्स मिलते हैं, ये सब तो मैंने आपको फ्री वाले फीचर्स बताए, जो प्लस वाले कोर्स को जो फीचर्स है उसमें आपके बैच बनाएंगे, वहाँ पर आपके बैच बनाए जाएंगे और वहाँ पर आपको जो है लाइव लर्निंग के साथ साथ वहाँ पर डाउट क्लियर होते हैं और टेस्ट सीरीज़ होती है, इतने सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अगर ऑफलाइन आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज़ देते हो तो वहाँ पर आपको जितनी कॉस्टिंग पड़ेगी उतनी इसमें टोटल जो अनअकैडमी की जो कॉस्टिंग है उतनी उसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाती है। मतलब कि अगर आप कहीं ऑफलाइन जाओगे और ऑफलाइन में आप जितना पैसा दोगे कोचिंग में, उससे अच्छा आपको और उससे अच्छे फीचर्स आपको अनअकैडमी पे मिल सकते हैं ऑनलाइन एट योर कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर पे ही बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है देन यू कैन एनेबल ऑल दिस कोर्सेज। एंड अगर आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है तो
हो सकता है कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो खान अकेडमी पर आप लोग ये कोर्सेज लेकर के यू कैन बाय। और अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने, इफ़ यू नीड सम डिस्काउंट और समथिंग एल्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं खान अकेडमी की तरफ से, रेगुलरली ऑफर्स आते रहते हैं काफ़ी सारे। आप वहाँ पर जाएंगे उनकी वेबसाइट पर, उनके ऐप पर, तो आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक कोड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो कोड है ARPIT10 ARPIT10 जो मेरा कोड है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप लोग को देखने मिलता है कि 10% आपका पैसा बच गया है। जैसे कि अगर कोई कोर्स है मान लीजिए 50,000 का, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो 5,000 रुपीज़ आपका वहाँ पर इंस्टेंटली ऑफ हो जाएंगे। तो ये आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के, और आई होप कि आप सभी लोग इसका पूरी तरीके से उपयोग लेंगे। बिकॉज आज के दुनिया में आपको कोई भी अगर एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे YouTube पे भी आप कोई चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको एक जगह पर वो मिलना बहुत मुश्किल है। पूरा कोर्स आपको एक ही जगह मिल जाए, टॉप एजुकेटर्स भी एक जगह मिल जाए, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाए, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाए, तो ये सब कुछ एक जगह पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अनअकैडमी ने ये सारी चीज़ों को एक जगह ला दिया है, एंड एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट दे आर ऑफरिंग यू द बेस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। तो आई होप कि आप सभी लोग एक बार ज़रूर से अनअकैडमी प्लस को ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू अगर आप बाय करना चाहते हैं कोर्स को, तो आप लोग मेरा कोड ज़रूर लगाना, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे और उससे अनअकैडमी को भी फ़ायदा होगा। ARPIT10 कोड है मेरा, ARPIT10 इज़ माई कोड। आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल बेनिफिट यू इन फाइनेंशियल वेज ऑल्सो। और इतने आपको यहाँ पर थोड़े से 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं ARPIT10। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।